ऋतिक रोशन का आवाज निकाली। ऋतिक रोशन सर की आवाज। अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा। भोजपुरी वगैरह पिक्चर में कुछ ट्राइब रहा है की आदर्श जैसे होता है ना, कोई चीज अगर जब फेमस हो जाता है तो लोग थोड़ा बदल जाते हैं, मन में जैसे ईगो आ जाता है या फिर कुछ अपने आप में घमंड आ जाता है। तो भैया से मिलकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी ना भाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम लोग से बात कर रहे हैं और बहुत बढ़िया लगा हम लोग को यहाँ पे आकर के। सौरभ साहब ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेकर के चलूंगा भागलपुर, और भागलपुर में मैं आपको मिलवाऊंगा आदर्श आनंद से। आदर्श आनंद के बारे में मैं आपको बता दूं कि आदर्श आनंद बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सोशल मीडिया स्टार हैं। उनके कई मिलियन फॉलोअर्स हैं, और मैं उनके बारे में बता दूं कि आदर्श आनंद को जी टीवी का एक शो आता था कॉमेडी विथ मनीष पॉल के शो में, वे अनन्या पांडे के साथ में होस्ट भी कर चुके हैं और उसे कई वेब सीरीज में भी काम करने का ऑफर भी आया है। ऐसे चर्चित कॉमेडियन एक्टर आदर्श आनंद से आज मैं आप लोगों को मिलवाने लेके जाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि हम कैसे जाएं उसके घर में। तो देखिए, अभी हूँ सुल्तानगंज स्टेशन में और हमें जाना है आदर्श आनंद के घर भागलपुर। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पीछे एक ट्रेन खड़ी है, इसी ट्रेन से भागलपुर जाने वाले हैं और भागलपुर में जाकर के वीडियो बनाएंगे। चलिए चलते हैं भागलपुर। फाइनली हम लोग भागलपुर पहुंच गए हैं और अब बस इंतजार है अब आदर्श आनंद के घर जाने का। तो उतरते हैं इस स्टेशन में और फिर चलते हैं, ऑटो लेते हैं और जाते हैं आदर्श आनंद के घर में। तो चलिए मेरे ब्लॉग में आगे। हमारे भाई भी साथ में हैं। स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं हम लोग और यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और सीधा जाएंगे तिलका मांझी, और तिलका मांझी से ऑटो पकड़ करके जाएंगे बरारी। तो देखते रहिए, और पहले तो ऑटो पकड़ते हैं पहले। ओ भाई साहब, यहाँ से ऑटो मिल जाएगा क्या तिलका मांझी के लिए? चलो चलो चलो। जो पहुंच गए हम लोग आदर्श भैया के घर में, ये देखिए इस टाइप का लोकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी इसके बारे में, और ये इस टाइप का जो दीवार देखा होगा जहाँ पे वीडियो बनाते हैं। आदर्श भैया से देखते हैं कि घर में है कि नहीं है, मिल पाते हैं कि नहीं, और वो आदर्श भैया है शायद क्या आगे तक। चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग। पहचानता ही नहीं है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। छत्तीसगढ़ के जितने भी प्यारे प्यारे लोग हैं उनको 36 दफा ही नहीं बल्कि हजारों दफा उनको बहुत बहुत मोहब्बत, और आप सभी लोग खुश रहिए, और जिस तरह से आप अपने आदर्श को प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसी तरीके से आप प्यार बनाए रखिएगा, बस हम यही चाहते हैं। और एक और चीज़ है जो हमेशा मैं सोचता हूँ, सोते बैठते उठते जागते हर वक्त वीडियो बनाते भी, कि हर शख्स इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर शख्स वो किसी न किसी वजह से खुश हों,
और सबके चेहरे पर स्माइल आए, क्योंकि जो सिचुएशन सभी चल रही हैं इन दिनों कुछ सालों में जो चल रही थी और अभी भी बाकायदा चली रही है, तो मैं मेरी ये कोशिश रहती है कि छोटी मोटी कोशिशों से आप सभी लोगों के मुस्कान चेहरे पर आ जाए। सो ये मुस्कान बनाते रहिएगा और दूसरे को भी हंसाते रहिएगा, बस हम यही चाहते हैं पूरा देश हंसे, यही हम मतलब कामना करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप इतने दूर से आए, हमारे भैया भी वहाँ बैठे हुए हैं, वीडियो बनाने वाले भैया भी हैं, फादर भी दिखा अच्छा जी, तो इनकी फरमाइश है, जस्ट हम आधे घंटे पहले ही ताजा ताजा जगे हैं, तो जगने के बाद हमें पता चला कि हमसे मिलने के लिए तो प्यारे प्यारे लोग आए हैं, तो आप बताएं कि मैं आपके लिए क्या करूं, मतलब जैसे ऋतिक रोशन की आवाज निकाली, ऋतिक रोशन सर की आवाज, अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वह ही बनेगा जो असली हकदार होगा। अच्छा, एक मूवी है जो काबिल मूवी है, इनकी काबिल मूवी है, तो उसमें इन्होंने डायलॉग बोला था, खेल उन्होंने शुरू किया, तमाशा आप लोगों ने देखा, खत्म मैं करूंगा, और एक बात और सर, इसमें कोई लाइफलाइन नहीं होगी, थैंक यू। हम लोग तो भैया हम लोग डर रहे थे कि क्या बोलते हैं, अब आएंगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आप, लेकिन चलो भगवान का शुक्र कि मिल गए, बहुत अच्छा भैया। और बताइए, जैसे कि आप जैसे इतना संघर्ष करने के बाद इतना पॉपुलर हुए हैं, तो इसके पीछे कुछ कहानी बताइए। संघर्ष को संघर्ष का नाम दे देंगे तो संघर्ष बुरा मान जाएगी, इसीलिए जो भी चल रहा है एकदम, हम भगवान से तो यही कहते हैं कि हमेशा मेहनत करने की शक्ति दे, और हमेशा मेहनत करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक बार बोल दिया, मतलब एक वहाँ का एक डायलॉग है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, भाषा है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो भैया लोग आज देखिए सरस्वती पूजा के लिए बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह का पंडाल वंडाल लगाया जा रहा है, हर साल इनका कहना है कि यहाँ पे सरस्वती पूजा का बैठाया जाता है जी। और ये इनका घर है, लोकेशन दिखा दीजिए, हर साल की भांति इस साल भी सरस्वती पूजा हम लोग जोरों शोरों से तो नहीं लेकिन दिल से मनाते हैं, तो इस साल भी क्योंकि कलाओं की देवी माँ सरस्वती माँ शारदे कही जाती है, तो उनके वजह से ही बहुत सारी चीजें हैं अपने अंदर जिसके वजह से लोग चाह रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो भी अचीवमेंट्स हमें मिली है, या इंस्टाग्राम पे हो गया ब्लूटिक मिलना, फेसबुक पे ब्लूटिक मिलना, और मुंबई से कॉल आना चैनल के लिए, वेब सीरीज के लिए, तो जब जब मेरे को ये सब ऑफर आए ना बड़े बड़े, तो सरस्वती पूजा के दिन में जी, तो ये तो हमारी खुशनसीबी है कि सरस्वती पूजा के दिन कुछ बहुत बड़ा बड़ा मतलब तोहफा माँ सरस्वती दे, उनकी कृपा है, तो सब प्यार भी है। थैंक यू। अभी कोई जैसे भोजपुरी वगैरह पिक्चर में कोई ट्राइब रहा है कि ओकरा में ना जाए, भोजपुरी में भोजपुरी में ऐसा नहीं है कि भोजपुरी खराब है, लेकिन इच्छा नहीं है वहाँ जाने की, क्योंकि जिस तरीके से आपस में ही लोग लड़ रहे हैं तो हमको लगता है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसा जाएगा, तो हमको वहाँ जाना ही नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बट लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। सो भाई हम लोग आए थे आदर्श भैया से मिलने के लिए, हमने सोचा था कि आदर्श भैया जैसे होता है ना कोई चीज अगर जब फेमस हो जाता है तो लोग थोड़ा बदल जाते हैं, मन में जैसे ईगो आ जाता है या फिर कुछ अपने आप में घमंड आ जाता है, तो भैया से मिलकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी से भाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया लगा हम लोग यहाँ पे आकर के। और इनको प्यार दीजिए, मोहब्बत, आप लोग इसी तरह आदर्श भैया को भी सपोर्ट करते रहिए, और ऐसा कीजिए कि ये बॉलीवुड तक जाए और कुछ मूवी हम लोग के लिए लाएं, के लिए कॉमेडी के लिए कुछ बढ़िया। थैंक यू सो मच सौरभ भैया, नाम सौरभ, और भैया आपका विक्की, विक्की भैया कैमरे के पीछे है, ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। सो नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आनंद भागलपुर बिहार से, और भैया छत्तीसगढ़ से आए हैं, और इनको बहुत बहुत प्यार, और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बाबूजी बाबूजी
और जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, कृपया करके सौरभ साहब लोग को सपोर्ट कीजिए। और कुछ भी नहीं जानता, भारत माता की जय। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।